पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड, हर वक्त पॉजिटिव एटीट्यूड, हालांकि बहुत मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड, कभी कभी बंदा हो जाता है नेगेटिव, लेकिन पूरी कोशिश करें कि हालात की पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन करें, पूरी कोशिश करें, जितनी जान लगा सकते हैं उतनी जान लगा लें, क्योंकि थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी, थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी इस ताले की चाबी बन सकती है जिसको जंग लगा हुआ है। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूं, 1.00000 की पावर 100 कितनी है, 1.000 की पावर 100 इज इक्वल टू 1, 1.01 की पावर 100 इज इक्वल टू 37, कितना फर्क पड़ा, 0.01 से कितना फर्क पड़ा, 37 टाइम्स, 0.01 पॉजिटिविटी आपको चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मिसाल, आपके घर में खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया, कोई मसला हो गया, हर एक जो है वो पैनिक हो रहा है, कब्रिस्तान का सा माहौल बना है, लोगों के मुंह पे शिकायत आ गई है, आपने सिर्फ ये कहना है अल्लाह बेहतर करेगा, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल द पॉजिटिविटी यू नीड, खत्म। उसी वक्त सारा माहौल चेंज हो जाएगा, सारी एनर्जी चेंज हो जाएगी, सब कुछ सेट हो जाएगा। तो क्या आप में ये करेज है कि आप उठ के एक पॉजिटिव सेंटेंस कह दें? जब कोई कहे आज का दिन बहुत बुरा है, क्या आप ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं, दैट्स इट? ये दो लफ्ज कहने हैं, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई लंबी लंबी स्पीच तो नहीं देनी। वो एक मिसाल है बड़ी जबरदस्त के, अगर आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं 8,64,000 और उस अकाउंट में से 10 रुपए कोई चुरा ले या 100 रुपया कोई चुरा ले, तो क्या आप बाकी के पैसे जला देंगे? क्या ख्याल है? तो फिर अगर 864,000 सेकंड में से 10 सेकंड कोई खराब कर देता, कोई ट्रैफिक की वजह से या किसी की बुरी बात की वजह से या दुख भरी बात की वजह से, या 100 सेकंड बर्बाद हो जाते हैं, तो पूरा दिन बर्बाद, पूरे दिन के सेकंड्स को जला देना है? तो इसलिए कुछ लोग ओवर सेंसिटिव बहुत होते हैं, वो सारे दिन को बर्न कर देते हैं। तो अपनी एनर्जी को बचाएं, कोई बात नहीं, 10 सेकंड चले गए, 100 सेकंड चले गए, इट्स ओके, बस छोड़ें, निकालें जहन से, इट्स ओके, बात को भूल जाएं, आगे चलें, ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये है हमारा स्किल नंबर 5 के पॉजिटिविटी। और अल्लाह की ये आयत याद रखें, वकुल्ली इबादी यकूलुल्लती अहसन, कह दो मेरे बंदों से कि वो अहसन बात करें, सिर्फ पॉजिटिव बात करें, अच्छी बात करें। क्यों? क्योंकि इन शैताना यनज़ु बैनहुम, इन शैताना कान लिल इंसान अदुबम मुबीना, क्योंकि शैतान इस घड़ी में है, तलाश में है, मैं कहाँ पे ज़रा इनकी लड़ाई करवाऊँ, और जैसे उसे कोई वर्ड मिलेगा तो वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, कड़वी से कड़वी बात का भी माइल्डनेस से अच्छे से जवाब दें, मुस्करा कर जवाब दें, या अगर कुछ नहीं कहना तो खामोश कर दें। रिटेलिएट जब आप करेंगे तो जाहिर है कि अगर दोनों ही फायर हैं, इमाम शाफी क्या कहते थे, या गालिबन इमाम अहमद बिन हम्बल, के व्हेन माय वाइफ इज फायर आई एम वाटर, अगर दोनों फायर हैं तो फिर तो बात कहीं नहीं पहुंचेगी। ओके, सो वन हैज टू बी द वाटर, एक ने आग को बुझाना है। कुड यू बी दैट पर्सन, आप में से कोई हो सकता है वो पॉजिटिव पर्सन,